हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि सर स्टॉप लॉस का यूज कैसे करें वजीरएक्स में। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, बार बार मुझे इंडिविजुअल मैसेज कर रहे हैं लोग कि सर कैसे करें कैसे करें। तो फाइनली मैं इस पे एक वीडियो बना रहा हूँ कि कैसे आप स्टॉप लॉस का यूज कर सकते हैं वजीरएक्स में। बट उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ जो आपको फॉलो करनी है वजीरएक्स में ट्रेड कर रहे हो आप तब, राइट। तो सबसे पहली जो चीज है वो ये है कि गाइज आपको लालच नहीं करना है, आपको कम से कम प्रॉफिट लेना है अगर आप रिस्क फ्री गेम खेलना चाहते हो तो। दूसरी चीज, अगर आप चाहते हो कि आपका कभी भी लॉस ना हो तो मेक श्योर आप पेशेंस रखो, सब्र रखो, क्योंकि हर 3-4-5 दिन में कोई भी कॉइन अगर डीप में जाता है तो वो अगेन उठकर वापस आएगा। 101% वजीरएक्स में ऐसा होता है अगर आपको रिस्क फ्री जाना है तो, राइट। दूसरा ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा रूल ये है कि गाइज अगर आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट निकालना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा वहां पर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अब इन्वेस्टमेंट इन सेंस कि आपको किसी और को पैसे नहीं देने, किसी और कंपनी में पैसे नहीं लगाने, कुछ भी नहीं करना। आपको जस्ट जैसे आप अपने बैंक में पैसे इकट्ठे करके रखे हो, अपने पर्स में रखे हो, वैसे ही वो पैसे इकट्ठे करके आपको रखने हैं आपके वजीरएक्स वॉलेट में। और वजीरएक्स वॉलेट में आपको क्या करना है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कॉइन पे आपको करना है टेस्ट ट्रेड, राइट। तो इससे आप इजी अर्निंग कर पाओगे वजीरएक्स में अगर आप चाहते हो सही से वहां अर्निंग करना। तो ये तीन रूल को आप सही से फॉलो करो, राइट। अब इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे वजीरएक्स में स्टॉप लॉस का यूज कर सकते हैं, पूरा मोबाइल पे बताऊंगा, बिकॉज आई नो बहुत सारे लोग मोबाइल में ही यूज करते हैं, इवन मैं भी बहुत टाइम मोबाइल में ही यूज करता हूँ। सो आप इसको इजी यूज कर पाओगे मोबाइल में। मेक श्योर अगर आप नए मेहमान हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर दो, बिकॉज आपको यहाँ पर बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल और डिफरेंट वीडियोस मिलती हैं, स्ट्रेटजीज मिलती हैं जिससे आप काफी सारा पैसा ऑनलाइन में बना सकते हो। सो मेक श्योर सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस करो और एक लाइक करके मुझे मोटिवेट करो ताकि आप लोगों के लिए टाइम निकाल के मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो कॉन्टेंट इस चैनल पर बनाऊँ। तो मेक श्योर ये काम जरूर करो। अब चलते हैं, सीखते हैं कि स्टॉप लॉस कैसे काम करता है, लेट्स गो। सो गाइस, सबसे पहले आपको अपने वजीरएक्स अकाउंट में आ जाना है। अगर आपने वजीरएक्स का अकाउंट नहीं बनाया तो आपको नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, आप वजीरएक्स का अकाउंट वहाँ से बना सकते हैं और अपने वजीरएक्स अकाउंट को वेरीफाई करवा सकते हैं अपने पैन कार्ड के थ्रू, राइट। और अपने बैंक अकाउंट को भी आपको यहाँ पर वेरीफाई करवाना है। एक चीज़ याद रखो, वजीरएक्स बहुत ज़्यादा इस समय फेम है इसके पास, मतलब बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ट्रेंड में चल रहा है, काफ़ी लोग इससे काफ़ी ज़्यादा पैसे अर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत स्कैम साइट्स भी आ गई हैं जो अगर आप गूगल में सर्च करोगे तो वो आपको नीचे शो करेंगे कि ये वजीरएक्स वजीरएक्स। तो जहाँ भी आप गूगल में अगर सर्च करके जा रहे हो तो वहाँ पर ध्यान रखो कि आप किसी और साइट में अपना लॉगिन पासवर्ड ना डाल दो, वरना आपका पूरा पैसा उड़ जाएगा और पता भी नहीं चलेगा कहाँ गया, राइट। तो इसीलिए सही से वजीरएक्स के ही अकाउंट में जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दिया हूँ, उसके थ्रू जाओ और जाके अपना वजीरएक्स का अकाउंट बनाओ और सेव करके रख लो बनाने के बाद उस पेज को, कि डायरेक्ट आप वहाँ से लॉगिन कर पाओ। अदरवाइज आप साइन अप करने के बाद, आपको लिंक नीचे मिल जाएगा, साइन अप करने के बाद आप सीधा इसका ऐप डाउनलोड कर लो। जब आप लॉगिन कर लोगे साइन अप करने के बाद तो वहाँ पर आपको ऑप्शन देगा प्रोफाइल में, वहाँ से आप डायरेक्ट इसका ऐप डाउनलोड कर लो एंड ऐप में ट्रेड करना स्टार्ट कर दो, ओके। तो यहाँ पर हम लोग स्टॉप लिमिट की बात करने वाले हैं। अब हम लोग किसी भी एक कॉइन में जाएंगे और स्टॉप लिमिट सीखेंगे क्या चीज़ होती है और कैसे यूज़ करते हैं, राइट। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर एक कॉइन को चूज़ करेंगे, हम लोग USDT को चूज़ कर लेते हैं और USDT में आपको करके बताता हूँ स्टॉप लॉस का यूज़। सबसे पहले हम लोग इसमें यूज़ करने वाले हैं बाय में, सेल में, दोनों में यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग पहले बाय में यूज़ करके मैं आपको बताऊँगा बाय के लिए कैसे इसका यूज़ किया जाता है, राइट। ये बेसिकली यूज़ होता है डे ट्रेडिंग के लिए, राइट। जो लोग डेली ट्रेडिंग करते हैं, जैसे हम लोग डेली ट्रेडिंग करते हैं, तो ये डेली के लिए यूज़ होता है, राइट। शुरू में आपको थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, बट जैसे जैसे आप इसको यूज़ करते जाओगे ये बहुत ज़्यादा ईजी आपके लिए हो जाएगा, ओके। सो यहाँ पर गाइज आपको लिमिट का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ स्टॉप लिमिट आप जैसे क्लिक करो तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन आ जाता है, राइट। अब मान लो सपोज इसका जो प्राइस चल रहा है अभी वो दिख रहा है आपको 74.90 चल रहा है, ओके। और आपको इसको बाय करना है, बट आपको ये भी डर है कि ये पंप ना हो जाए और ये 76 या 78 ना पहुँच जाए, राइट। सो अब आप इस केस में क्या करोगे, आप इस केस में करोगे ये कि आप यहां पर एक स्टॉप प्राइस और स्टॉप लिमिट लगाओगे, ओके। मान लो इसका जो प्राइस है वो सीधा सीधा मैं ले लेता हूं, राइट, वो जा सकता है 76 या 77, आप ऐसा सोच रहे हो, ठीक है। तो यहां 77 ले लेता हूं और यहां पर मैं यहां पर ले लेता हूं 75, राइट। तो अब जब इसका प्राइस गाइज
जैसे ही 77 पहुंचेगा तो आपका यहां पर एक ऑर्डर प्लेस हो जाएगा 75 पे, राइट right? सॉरी, नीचे का बड़ा रहेगा ऊपर का छोटा रहेगा। सो साथ ही साथ आपको डर लग रहा है कि इसका प्राइस कहीं ऊपर ना हो जाए, ओके okay? तो नीचे का जो प्राइस रहेगा लिमिट का वो हमेशा ज़्यादा रहेगा और जो आपका ऊपर का स्टॉप का प्राइस रहेगा वो हमेशा कम रहेगा, ठीक है, बाइंग के केस में बोल रहा हूँ, ओके okay? बाइंग के केस में। अब जैसे आप ये ऑर्डर प्लेस करोगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका 77 लिमिट प्राइस है और आपका स्टॉप प्राइस है 75। तो अब जैसे ही ये 75 पर जाएगा, जैसे ये पहुंचेगा 75 पे पंप करके, तो यहाँ पर बाइंग प्राइस आपका प्लेस हो जाएगा 77 पर, राइट। अब ये बाइंग प्राइस आपका 76 भी हो सकता है, बट याद रखना हमेशा जो बाइंग प्राइस में बाय सेक्शन में जो लिमिट प्राइस रहेगा वो हमेशा ज़्यादा रहेगा स्टॉप प्राइस से, ठीक है, ये बाइंग सेक्शन का है, ध्यान से समझ गए बात को, ऐसे ये यूज होता है बाइंग सेक्शन में स्टॉप लिमिट, ओके। अगर ध्यान से नहीं समझ में आएगा तो फिर से बैक करके वीडियो को देखना, आपको समझ में आएगा। अब हम लोग बात करेंगे सेल सेक्शन में इसका यूज कैसे करते हैं। अब गाइज हम लोग सेलिंग के केस में देख लेते हैं, तो स्टॉप लिमिट सेलिंग के केस में मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। अब याद रखना सेलिंग के केस में हमेशा क्या रहेगा, ऊपर ज्यादा रहेगा मतलब स्टॉप प्राइस ज्यादा रहेगा और स्टॉप लिमिट कम रहेगा, ठीक है। तो अब मान लो हम लोगों को लगता है ये कॉइन 74 के आसपास वापस रिटर्न आ सकता है, ठीक है, 74, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग जो प्राइस डालेंगे वो डालेंगे 73, मतलब इससे एक कम या इससे बहुत कम आप डाल सकते हो, जितना भी जो भी आप कॉइन बाय कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग, राइट। तो अब होगा ये कि जब भी आपका ये जो कॉइन है USDT है 74 पहुंचेगा, मान लो आप लॉस में जाने वाले और 74 जो है वो इक्वल हो चुका है, आप थोड़ा लॉस में जाओगे इसके बाद, तो आपने यहाँ पर स्टॉप लिमिट लगा दिया कि जैसे ही कॉइन 74 पहुंचे तो आपका जो कॉइन है वो 73 के प्राइस पे सेल पे ऑर्डर में लग जाएगा, सेल ऑर्डर में लग जाएगा 73 पर, राइट समझ में आया। मान लो आपने कॉइन बाय किया, ठीक है, और उसका जो प्राइस था वो 75 के आसपास था, USDT आपने बाय की उसका जो प्राइस था वो 75 के आसपास था। अब आपको एक स्टॉप लिमिट लगानी है, तो आपने स्टॉप प्राइस में लिख दिया 74, क्योंकि आप इससे ज़्यादा लॉस बियर नहीं कर सकते, ओके, आपको लग रहा है ये वापस 74 पे जाएगा और इससे ज़्यादा आपको लॉस बियर नहीं करना है, तो आपने लिमिट प्राइस लगा दी 73 और ऑर्डर आपने प्लेस कर दिया, ठीक है, सेल में, ओके okay, मैं सेल की बात कर रहा हूँ, हम लोग सेल सेक्शन की बात कर रहे हैं, ओके okay? तो आपने ऑर्डर में यहाँ प्लेस कर दिया। अब जैसे ही आप सेल पे ऑर्डर प्लेस कर देंगे तो जैसे ही ये 74 पे गया ये कॉइन, 73 पे आपका ऑर्डर सीधा प्लेस हो जाएगा सेल होने के लिए, मतलब कि आप कम से कम लॉस में बाहर निकल जाएंगे कॉइन से। तो ये ऐसे करके स्टॉप लिमिट का यूज़ किया जाता है। अभी आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, फॉर श्योर जब मैंने भी शुरू शुरू में स्टार्ट किया था बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, पर बार बार जब हम इसको यूज़ करते हैं तो ये हमें बहुत ज़्यादा ईजी लगता है। आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप वीडियो को पीछे करके फिर समझिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि आपको सेल में हमेशा ऊपर ज़्यादा रखना है और नीचे कम रखना है, मतलब स्टॉप पे ज्यादा रखना है, लिमिट में कम रखना है, और बाय में आपको नीचे ज्यादा रखना है और ऊपर कम रखना है, ठीक है। अब आपको नहीं समझ में आया तो आप फिर से इस वीडियो को देखिए, बार बार देखिए आपको समझ में आएगा, और फिर उसको यूज करके देखिए आपको 101% समझ में आएगा। ये ज्यादातर डे ट्रेडिंग में यूज होता है और काफी ज्यादा फायदेमंद होता है आपके लॉस को रोकने के लिए। तो मेक श्योर आप सही से इसको समझ के एक छोटे छोटे अमाउंट में इसको यूज करके देखिए, आपको धीरे धीरे इसकी आदत हो जाएगी। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो कर दो शेयर, क्योंकि आपका एक शेयर मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस बार बार लाने के लिए। तो मेक श्योर आप ये काम जरूर करो, और नए मेहमान हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस करो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और आपको पता चले कि भाई अब एक और वीडियो आ गई है जो आपको बहुत ज़्यादा बहुत सारे पैसे घर बैठे कमा के देने वाली है। तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस करो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।